हालत में पड़ी हुई है, तो क्या आप कर रहे हैं इनके लिए? देखिए, रेड लाइट जो लगाई जाती है चौराहों पे, वो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए लगाई जाती है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है शहर की कि यहाँ के प्रमुख चौराहों पे जो रेड लाइट लगी हुई है वो ऑपरेटिव नहीं है, और इसका रखरखाव का जिम्मा किसका है ये देखने वाली बात है। यदि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को इसका रखरखाव करना है तो वो तो बिल्कुल फेल साबित हो रहा है, वो रखरखाव नहीं कर पा रहा, या तो उनको सूचना नहीं है या ये उनकी लापरवाही है। इस मामले में उपाध्यक्ष रेड लाइट, और जहाँ रेड लाइट्स नहीं लगी हुई है, ट्रैफिक लाइट नहीं लगी हुई है, वहाँ ट्रैफिक लाइट लगाई जाएंगी। हाल फिलहाल तो ये रेड लाइट ब्लैक लाइट से दो रही है, और जो खराब लाइटें पड़ी हुई हैं उसका कोई उपयोग नहीं है। जिलाधिकारी को इस मामले में सजगता अख्तियार करनी चाहिए, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका दोनों से बात करनी चाहिए और उनको चालू कराया जाना चाहिए। यदि चालू नहीं किया जाए तो शासन प्रशासन को इस बात की को गौर करना चाहिए, और यदि कार्यकलाप नहीं होते हैं तो उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। बस हेरिटेज।